वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपको गार्लिक नूडल की रेसिपी दे रही हूँ, जो कि बहुत ही मज़े की रेसिपी है और बच्चों को तो बहुत पसंद आएगी। इसके लिए मुझे चाहिए 1 कप बॉयल चिकन, 1 कप श्रेडेड कैरेट, 1 कप बंद गोभी, बॉयल नूडल, गार्निश के लिए धनिया, 5 टेबलस्पून ऑयल, 5 टेबलस्पून ये मैंने ना 2 टेबलस्पून गार्लिक है इसको ऐसे बारीक बारीक काट लिए, 5 गोल्ड रेड चिली हैं, टमाटो केचप 2 टेबलस्पून, 2 टेबलस्पून सोया सॉस, 2 टेबलस्पून चिली सॉस। सबसे पहले मैंने चिकन को 1 कप पानी डालकर बॉईल किया लिया, नमक काली मिर्च हल्दी डालकर, ये देखें ये मैंने बॉईल किया होगा। अब चिकन नूडल बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मुझे 5 टेबलस्पून ऑयल चाहिए, 1 कटा हुआ लहसुन डाल दें, 1 बाद इसमें ये गोल वाली मिर्च 4-5 डालनी है। इसमें जब हल्की सी खुशबू आनी शुरू हो जाए तो हम इसमें नूडल शामिल करेंगे। ये हमारे गार्लिक नूडल हैं। ये देखिए ये लहसुन का कलर चेंज हो गया है ना। अब इसमें हम ये नूडल डालेंगे, 1 पैकेट बॉयल नूडल है। इसमें गार्लिक की अच्छी सी खुशबू आने लगी नूडल्स में, जब गार्लिक की ये बॉयल चिकन इसको मिक्स करना है, हाई फ्लेम पर सारा काम करना है। इसके साथ ही 2 टेबल स्पून सोया सॉस, 2 टेबलस्पून चिली सॉस, 2 टेबलस्पून टमाटो केचप, 1 कप गाजर, 1 कप बंद गोभी, अच्छी तरह से मिक्स करना। सब चीज़ों को मिक्स अच्छी तरह मिक्स करना, हाई फ्लेम पर यह सारा काम करना। ये मिक्स हो जाएंगे, फ्लेम ऑफ कर देनी है और इसमें 1/2 टीस्पून
सॉल्ट डालना है, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर, काली मिर्च, और इसको मिक्स करना है। हरा धनिया, इसको भी मिक्स करना है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी गार्लिक नूडल की, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और बेल आइकन कर दीजिए ताकि आपको आपको मेरी लेटेस्ट रेसिपी की नोटिफिकेशन मिल जाए। ये देखिए, ये हमारी यम्मी से नूडल हो गया तैयार, जो बच्चों की ऑल टाइम फेवरेट चीज़ है, बड़ों की भी फेवरेट है। एक बार फिर से मेरी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी।